हाय, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। तो स्वागत है यार आप सबका हमारे एक नए व्लॉग में। भाई पूरा आधा घंटा हो चुका है यार यहाँ पे वेट करते हुए। अभी भी लगभग 15-20 गाड़ियां हैं आगे, तो तब तक देखिए बंदर को क्या हरकतें कर रहा है। गजब बेइज्जती है। देखो, हाय हाय। तो यार देखते हैं कब निकलते हैं यहाँ से। तो यहाँ से निकल ही के अब आपसे करेंगे मुलाकात, तब तक आप बैठिए फिर। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह यार यहाँ से निकले हम काफी टाइम बाद, लगभग 1.5 घंटा लग गया यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम था आगे, बहुत गाड़ियाँ थी। तो निकले अब यहाँ से, तो अब थोड़ा सा प्लेन में चेंज है, हम सीधे श्रीनगर नहीं जा रहे, पहले हंद्वारा जा रहे हैं, उसके बाद श्रीनगर जाएंगे। देखते हैं जल्दी पहुँच गए तो शाम ही को जाएंगे, अगर लेट हो गया तो फिर हम सुबह जाएंगे इंशाल्लाह। तो तब तक आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से आगे। यार पूरे ये पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए ना, ज़बरदस्त लग रहे हैं। आप लोग कीजिए वीडियो को इन्जॉय और हम मिलते हैं नीचे, क्योंकि यार यहाँ के जो रोड्स हैं ना, ये बहुत ही शार्प कर्व है इनमें, इसलिए बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। तो मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नीचे आप टीपी में। तो तब तक आप देखिए इन वीडियो को और एंजॉय कीजिए।
सो अल्हम्दुलिल्लाह भाई बाहर पहुंच चुके हैं हम नीचे अब टीपी में। यहाँ से आगे तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ से आगे जो है ना सिटी में चलना है। ऊपर बहुत ज़्यादा कर्व है, आपको पता ही है सभी को, वैसे जो यहाँ के हैं उनको पता ही है, जिन्हें नहीं पता तो हम बता देते हैं। तो उसमें ना तो मोबाइल नेटवर्क था, कहीं ना ही कहीं कोई दुकान है कुछ खाने के लिए। तो अब चौकी बाल में रुकेंगे, चाय वगैरह भी पियेंगे क्योंकि 3-4 घंटे से कुछ नहीं खाया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब आपको आगे मार्केट में। ये बंदा किस लिए खुश हो रहा है मुझे भी नहीं पता। हम लोग पहुंच चुके हैं पंचगाम में, तो दिखाते हैं आपको यहाँ से कैसे नजारे हैं। लेकिन ये बहुत खुश है श्रीनगर जाते हुए, क्या बात है भाई, कौन सी खुशी है भाई। यार पहुंच चुके हैं हम पंचगाम में, यहाँ से आगे देखो नीचे क्या नजारे हैं यार, मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से, सोचा दिखा दें आपको। तो रोड भी यहाँ से मस्त बनी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। और नीचे का नज़ारा देखो यार क्या है, कसम से लाजवाब। भाई पहुँच चुके हैं हम करालपुरा, यहाँ से हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से शॉर्टकट लेंगे क्योंकि अगर वहाँ से जाएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ से हम शॉर्टकट लेंगे जहाँ से ये गाड़ियाँ आ रही हैं, यहाँ से थोड़ा जल्दी पहुँचेंगे, लगभग 15-20 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाएगा यहाँ से। रास्ता है थोड़ा सिंगल रोड है, चलेगा फिर भी, क्योंकि सबसे पहली बात तो करालपुरा में पहुँचते ही बंदे में दिमाग में जो ख्याल आता है वो आता है जाम का, वो तो लगा हुआ है इधर। मिलते हैं हंदवाड़ा के लिए। हाँ। तो भाई ठीक है, मिलते हैं आप सबको फिर सिटी ऑफ एल्टो क्रॉस करने के बाद। कपवाड़ा को कहा जाता है भाई सिटी ऑफ एल्टो, यहाँ पे एल्टो बहुत ज्यादा है। तो मिलते हैं फिर आपको इंशाल्लाह, आप सीधे हंदवाड़ा में।